नमस्कार दोस्तों, आप इस पहाड़ों को देखिए, इस जंगल पहाड़ों को देखिए कि यहाँ पे घने वाले जंगलों का आज क्या हालत हो गई है। मानव के विकास और महत्वाकांक्षी लालच के कारण आज जंगलों का विकास किस ओर जा रहा है, आप इसका देख के आकलन लगा सकते हैं। ये जंगल आने वाले समय में बहुत घने वाले थे, लेकिन मानव विकास के नाम पर और अपनी उपयोगिता, अपने स्वार्थ के लिए इन जंगलों को ऐसी कटाई की कि इस जंगल की दिशा और दशा आपके सामने प्रस्तुत है। इन जंगलों में बहुत बड़े बड़े जानवर रहा करते थे जिनका निवास स्थान था। यह जंगल क्या नाम है, हमारे प्रकृति वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखा था। इन जंगलों की इतनी तेज़ी से कटाई हुई कि आज इन जंगलों में छोटे छोटे वृक्षों को भी खोज पाना मुश्किल हो रहा है। इन जंगलों, इन पहाड़ियों में बसने वाले जानवर एवं इन जंगलों को निवास के रूप में उपयोग करने वाले पशु पक्षियों का यहाँ से पलायन हो चुका है या फिर ये प्राणी यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। प्रशासन से मेरी आग्रह है कि इन जंगलों को बचाएं, क्योंकि जंगल और जल, जंगल है तो जल है और जल है तो कल है, और हम कल है तभी हम सुरक्षित हैं। इसी तरह पूरे भारत में कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण वहाँ के बड़े बड़े जंगल उजाड़ दिए गए और वहाँ खेती किसानी या फिर बड़े पैमाने पर बस्तियाँ बसा दी गई। हमारा देश इन्हीं सभी समस्याओं से जूझ रहा है। प्रशासन से मेरा कठोर अनुरोध है कि वो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और वातावरण पर्यावरण को स्वच्छ संतुलित बनाने के लिए और पर्यावरण के समस्त तत्व जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, छोटे बड़े जानवर, इस समस्त चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर जंगल बसाया जाए और जितनी हमारे संतुलित वातावरण की आवश्यकता के अनुसार जंगल की ज़रूरत है उतने जंगलों का बड़े पैमाने पर संरक्षित किया जाए। मानव की महत्वाकांक्षी विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगलों का दोहन किया गया है, जिसका दुष्परिणाम हम भोग देख रहे हैं और भोग भी रहे हैं। आए दिनों गर्मियों का वातावरण बढ़ रहा है, इतनी भीषण गर्मियाँ होती, हर साल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड गर्मियाँ बढ़ती हैं, जिसका दुष्परिणाम मानव भोग रहा है। लेकिन मानव की महत्वाकांक्षी, पढ़े लिखे शिक्षित होते हुए भी मानव की महत्वाकांक्षी के कारण आज इंसान या फिर पूरा विश्व गंभीर ताप के चपेट में आया है। गंभीर ताप और गंभीर लू, गंभीर बीमारी की समस्या बन रहा है। आए दिन हमारे देश में ठंडियों का दायरा घट रहा है, गर्मियों का दायरा बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का अनावरण हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव जीव जंतु, प्राणियों एवं मानव खुद भोग रहा है। मेरी सरकार से आग्रह है कि ऐसे सभी निस्वार्थ कामों को मद्देनजर रखते हुए जंगलों को, हमारे हरे भरे जंगलों को, हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर को बसाने का कष्ट करें और इन सभी सभी निस्वार्थ पलों से काम किया जाए और ऐसे लोगों पर एक ठोस कानून बनाया जाए जिस कारण उन्हें जंगलों को उजाड़ने से उन्हें दंडित किया जाए, उन पर चाहे आर्थिक रूप में दंड लगाया जाए या फिर सजा के रूप में दंड लगाया जाए। जंगल हमारे प्रकृति है, जंगल हमारी जान है, जंगल है तो जल है, जल है तो कल है, और किसी भी प्राणी का तभी तक अस्तित्व है जब तक जल है संसार में। और एक स्वच्छ वातावरण के लिए, स्वच्छ हवा के लिए पेड़ पौधे जंगलों का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सरकार से मेरा आग्रह है और समस्त देशवासियों से आग्रह है कि आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। विचारणीय बात है, क्योंकि जंगल आए दिन प्रतिदिन घट रहे हैं, बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई हो रही है, प्रकृति के अनमोल तत्व पेड़ पौधे जीव जंतु छोटे बड़े पशु पक्षियाँ देख रहे हैं विलुप्त हो रही है, क्योंकि प्रकृति का जब तक संतुलन बराबर रहेगा तब तक प्राणियों का इस पृथ्वी पर जीवन संभव रहेगा। इसलिए जीवन को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए और अपने प्यारे सुनहरे भारत को ध्यान में रखते हुए सभी प्राणियों से मेरा आग्रह है कि आप पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और पर्यावरण के प्रति अपना संपूर्ण योगदान दें। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम ना करे
जिससे पर्यावरण को नुकसान हो और पेड़ पौधों को अति आवश्यक अगर ना हो तो पेड़ पौधों को ना काटे। मेरा सभी देशवासियों से एवं सभी बुद्धिजीवियों से सभी देशवासियों से या फिर सभी संस्थाओं से अनुरोध है कि इस पर विशेष रूप से गंभीरता को लेते हुए इस पर विशेष पहल किया जाए, क्योंकि पर्यावरण हमारा सबसे बड़ा क्या नाम है समस्या बन के उभर रहा है। आए दिन हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं से कई सारी समस्याएं आ रही, कई सारे मृत्यु हो रही हैं। जितनी हमारे देश में बीमारियों से मृत्यु नहीं हो रही, उतनी उससे भी ज़्यादा क्या नाम प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु हो रही है। अनावश्यक वर्षा होना, अनावश्यक भूकंप आना, अनावश्यक भूस्खलन होना, अनावश्यक समय पे क्या नाम है अत्यधिक गर्मी पड़ना, अनावश्यक समय पे अत्यधिक ठंडी पड़ना, या बहुत सारी ऐसी समस्या हमारे देश में है। मेरा देश एवं देशवासियों से विनम्र अनुरोध है और सरकार से भी अनुरोध है कि पर्यावरण पे विशेष कार्यक्रम किया जाए और विशेष जागरूक किया जाए, विशेष ठोस कानून बनाया जाए, और फिर भी ऐसे जो लोग हैं जो इनका पालन नहीं करते उनसे उनके ऊपर कड़ा से कड़ा दंड लगाया जाए उनको।